5 रुपए का ही तो है। मम्मा एक झंडा ले दो ना प्लीज। चलो ठीक है, एक झंडा दे दो। छुट्टा नहीं है ना मैडम। अच्छा चलो चलो, दो दे दो। यस। खुश? हे, थैंक यू सो मच, पर हम ये झंडा नहीं ले सकते, और कायदे से तो आपको भी नहीं लेना चाहिए, ये कानूनन अपराध है। पर क्यों मम्मा? क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, और ऐसे कहीं से भी हमें राष्ट्रीय ध्वज नहीं खरीदना चाहिए। अक्सर लोग झंडा खरीद तो लेते हैं, पर उसे यहाँ वहाँ फेंक कर उसका अनादर और दुरुपयोग करते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच वकील साहिबा, आप अपनी बच्ची को बहुत अच्छी सीख दे रही हैं। आप जैसे सिटीजन हैं जो हमारा काम बहुत आसान कर रहे हैं। झंडा रस्ते पर बेचना और खरीदना दोनों गलत है, क्योंकि इससे उसका अनादर हो जाता है, और हम ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं, और आगे चलकर भी कभी भी इस तरह की घटना ना घटे इसके लिए हम जागरूक हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 राष्ट्रीय ध्वज को लहराने और इस्तेमाल करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। द एम्ब्लेम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, जिसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज के गलत उपयोग पर रोकथाम लगाने के विषय में सूचित किया गया है। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी तरह से अपमान करने पर जुर्माना या 3 साल तक सजा या दोनों का प्रावधान।